हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 9 से ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका फिगर पहले से बुक में दिया हुआ है, अगर इसका फिगर ना भी दिया हो तब भी आप लैंग्वेज से बना सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। एबीसी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आप अगर फिगर ना भी दिया हो तो सबसे पहले आप ए बी सी एक ट्राइंगल बनाएंगे आइसोसेल्स, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। उसके बाद क्या कह रहा है, साइड बी ए को बोला बी ए इज प्रोड्यूस्ड, बी ए को प्रोड्यूस कीजिए डी तक इस तरीके से, सच दैट इस तरीके से कि जो ए डी आप प्रोड्यूस करेंगे आगे उसको ए बी के इक्वल बनाइएगा। मतलब आपको क्या है, इस बी ए को आगे प्रोड्यूस करना है इसे डी पॉइंट तक, लेकिन उतना ही आगे बनाना है इसे जितना ए डी ए बी के इक्वल हो। सही है, अगर ए बी यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो ए डी भी आप 5 ही बनाएंगे, उसका कहने का मतलब ये। अच्छा, शोध करना है आपको, शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल। आपको ये शो करके दिखाना है कि बी सी डी ये जो है वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पर राइट एंगल होगा। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, अगर फिगर नहीं दिया तो ये आपने प्रोड्यूस की, उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर देंगे, बस इतना आपको करना है। और ये आप पे पता कैसे चला, ये बी सी डी इज अ राइट एंगल, बी सी डी ज्वाइन करोगे तभी तो बनेगा पूरा बी सी डी एंगल। सही है, चलिए अब देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। सुनिए, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दो चीजें दी हैं कि ए बी ए सी के इक्वल है, ये रहा ए बी ए सी के इक्वल है पहली लाइन में, और दूसरा बोला ए डी ए बी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है। सही है, अब आप एक चीज देखिए, जब ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है ये दोनों साइड, तो ए बी ए डी और ए सी तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी, सीधी सी बात है। लेकिन फिलहाल मैं इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं बता दिया मैंने, ठीक है, ये गिवन है। चलिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या है, एंगल बी सी डी 90 को दिखाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है, सीधा प्रूफ देखेंगे आप जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, हमें बी सी डी एंगल चाहिए। अब अगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा तो ये देखिए, आपको गिवन क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि ए बी ए सी के इक्वल है, किस ट्राइंगल में, ए बी सी में। तो कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही है कि अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते थे। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सही है, कैसे लिखेंगे, एन ट्राइंगल ए बी सी। सही है, ट्राइंगल को मेंशन किया पहले, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, कहां से आया, गिवन ये मुझे दिया है, ये रहा। सही है, अगर ऐसा होगा, अगर अपोजिट साइड इक्वल है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों, रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, इक्वल अपोजिट साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। सही है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, अभी काम आएगा। ठीक, चलो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इसके इक्वल आ गया दोनों। सही है गाइस, देख लीजिए ए बी सी ए सी बी। अब सेकेंड थिंग, हमें क्या दिया है कि ए डी ए सी के इक्वल है, दिया है ये रहा, तो अब इसे लेंगे नाउ। लेकिन किस ट्राइंगल में दिया है, ट्राइंगल ए सी डी, एंड ट्राइंगल ए सी डी। सही है, क्या दिया है हमें कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, कहां से आया, गिवन। ठीक है, चलो अगर ऐसा होगा तो इसमें भी तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सही है, तो क्या लिख सकता हूं, अब देखो भैया एक चीज बहुत ध्यान से लिखनी है आपको, क्या ध्यान से लिखनी है, मैंने यहां लिखा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ये एंगल इसके इक्वल है। अब आप ये सोचिए एंगल बी सी डी कैसे बनेगा, बी सी डी ये कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा, जब मैं इसे इसको
और इसको, दोनों को ऐड करूंगा तभी तो बनेगा बीसीडी पूरा। और ये देखो ये वाला एंगल एसीबी है कहां पर, आरएचएस की तरफ, तो ये ध्यान रखना ये एंगल एसीडी भी आपको आरएचएस में ही लेना है, मतलब ये एलएचएस में जाएगा, सही है। एंगल एडीसी कौन सा है एलएचएस में पहले, ये वाला एडीसी इज इक्वल टू एसीडी, एंगल एसीडी। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो, मुझे चाहिए क्या यहां पर, देखो एंगल बीसीडी और एंगल बीसीडी में कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक ये वाला और एक, इन दोनों को सम करूंगा तभी तो बीसीडी बनेगा। ये वाला एंगल मैंने कहां लिया है, एसीबी, एसीबी कहां लिया है, आरएचएस में लिया है, ये एलएचएस, ये आरएचएस इधर लिया आरएचएस में, तो ये वाला एंगल एसीडी जो इसमें प्लस करना है वो भी आप आरएचएस की साइड रखेंगे, क्योंकि जब मैंने ऐड करूंगा तो आरएचएस आरएचएस में ऐड होता है, एलएचएस एलएचएस में, इसीलिए पहले ही सोच समझ के कीजिएगा, इसे इधर रखेंगे तो ये दोनों आसानी से ऐड हो जाएंगे, वरना एक स्टेप और बढ़ जाएगा, सही है। चलो रीजन लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट ऊपर वाला ही है पूरा, एंगल्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या मतलब है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल ऑपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं, यही तो लिखा है एडीसी इज इक्वल टू एसीडी, सही है, एडीसी एसीडी, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर टू, कोई परेशानी यहां तक। अब जैसा अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं दो बार कि यहाँ पे एंगल बीसीडी कैसे बनेगा, इन दोनों का समेशन करके, सम करके, ऐड करके, तो इन दोनों के इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखिए फिर ये गिवन से लेके हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, टू प्रूफ आपको पता ही है मैं क्या लाना है, सही है। चलिए इतना ही अब करेंगे क्योंकि देखने के लिए अब यहां से चाहिए, एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, सही है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा, क्या है एंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी, सही है, कोई गलती तो नहीं है। अब देखना जरा ध्यान से कि एबीसी ये वाला है, एडीसी ये वाला है, इनका तो कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन ये कंप्लीट एंगल क्या बन गया। अच्छा अगर मैं इसे यहाँ पे पहले लिख लूँ और इसे यहाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या चलो ऐसे ही चलने दो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए ये दो तो ऐसे ही लिख लिए, इनका तो कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन एसीबी ये और एसीडी ये वाला, इन दोनों को सम करके क्या बन रहा है, एंगल बीसीडी। अब आ गया समझ में, मैंने क्यों कहा था दोनों आरएचएस में, इनको ऐड करके बीसीडी बन गया जो मुझे टू प्रूफ में चाहिए था। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे एंगल बीसीडी तो आ गया, लेकिन आपको तो 90 लाना था, अब 90 कैसे आएगा सोचो, तो उसके लिए हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स का सम 180 होगा, मालूम है, अगर नहीं होगा तीनों साइड्स का सम। अब एक चीज देखो, यहाँ एंगल एबीसी है, ये वाला एंगल मिल गया, एंगल एडीसी है, ये वाला एंगल मिल गया, अगर मैं इन दोनों में ये कंप्लीट एंगल बीसीडी और ऐड कर दूं, तो देखो जरा मैंने यहां पर एंगल बीसीडी ऐड कर दिया, सही है। जब मैंने एलएचएस में बीसीडी ऐड किया है तो मुझे आरएचएस में भी बीसीडी ऐड करना पड़ेगा, ये लाइन इसी के बाद है, वो थोड़ा नीचे लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों में मैंने बीसीडी ऐड कर दिया तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा बीसीडी, एलएचएस में आरएचएस में इक्वेशन बैलेंस्ड है, एक बीसीडी से बीसीडी कट गया, ये ऊपर भी आ लिया जाए, यानी कि मैंने एक अरेंजमेंट कर लिया है, लेकिन मेरी इक्वेशन बैलेंस है, मैंने गलती नहीं की है, अरेंजमेंट किया है, किया क्यों मैं बता रहा हूं। देखो अब ध्यान से, एबीसी दिस, एडीसी दिस और बीसीडी, ये पूरा कंप्लीट एंगल बीसीडी, ट्राइंगल बी सी डी में देखिए, बी सी डी ट्राइंगल में ये तीनों के तीनों एंगल्स का सम, दो मिनट के लिए मैं इसे और रब कर देता हूं, तो अब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। दिस प्लस कंप्लीट एंगल दिस, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, इसीलिए किया। और इधर क्या हो जाएगा, बी सी डी और बी सी डी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। रीजन लिखना पड़ेगा, कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, अरे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई ना 180 डिग्री, लिखना पड़ेगा, सही है। ये हो गया बीसीडी और बीसीडी, ट्वाइस ऑफ बीसीडी,
टू से 180 डिग्री कट गया तो एंगल बी सी डी कितना आ गया 90 डिग्री। देख सकते हैं आप टू से कट के 90, हेंस प्रूफ एंगल बी सी डी आ गया 90 डिग्री। तो ये था फ्रेंड्स इसका प्रूफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सके। बाकी वीडियोस मैंने अपनी पहले ही अपलोड कर दी है, थोड़ी सी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।